छपा है दुबई से, है क्या हुआ, क्या हाल बना रखी तुम, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है, बहुत चिचड़े ओए क्यों है भाई, बोले चिचड़े। बड़ी आसानी से हमारे पुत्र ने कह दिया कि हमने उसे पैदा किया, पढ़ाया लिखाया, उस पर कोई एहसान नहीं किया हमने, हमने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया। किस्मत किस्मत अपनी औलाद जब एहसान फरामोश होती है ना तो बड़ा दुख होता है, बड़ा दुख। सीन में गुरुद्वारे में सदाजी बड़े ट्रामा में परेशान है, वो बहुत वीर को बताएं कि ना बताएं कि वो प्रभजोत का बेटा है, इसी चक्कर में इनकी नज़र पड़ती है हरनीत और परम के ऊपर। ये बड़े हैरान है कि गुरुद्वारे में ये क्या कर रहे हैं, लंगर की लाइन में खड़े हुए हैं। वहाँ उनको पता चलता है कि ये, क्योंकि इनको ये इनके दिमाग में ये था, इनको पता था कि ये दुबई गए हैं अपने बेटे के पास, तो वहाँ कुछ घटना घट गई दुबई में, ये बताएंगे आपको। हम तो बहुत परेशान वापस आए हैं क्योंकि हमारे बेटे ने हमारे से सब कुछ साइन करवा लिया है और उसके ले सब कुछ लेने के बाद वो हमें कहता है कि अब हमारे हम आपकी जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं और आपने जो हमारे लिए किया वो आपका फ़र्ज था, तो आपका कोई एहसान नहीं हमारे ऊपर, प्लीज़ आप इस वक्त तो चले जाइए। तो हम दोनों हाथ मलते हुए दोनों हस्बैंड वाइफ वापस इंडिया आ जाते हैं और हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना घर, ना रोटी, ना रोज़ी, कुछ भी नहीं है। हम गुरुद्वारे पर मोहताज हैं, गुरुद्वारे की लंगर की रोटी खाते हैं, उससे हम अपनी गुजर कर रहे हैं, गुरुद्वारे के स्टोर में हमने अपना लगेज रखा हुआ है, हमारे पास कोई छत नहीं है, ना कपड़े, ना रहने तो को। वहीं पे वो लेके सरदार जी इनको कह रहे हैं कि चलो मेरे घर चलो, ये घर जाना नहीं चाहते कि इनको पता है कि वहाँ पे तवलीन आई हुई है, तो सरदार जी इनको कहाँ रखेंगे और इनके साथ कैसा होगा, ये अभी आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा। और बहुत बड़ा मैसेज है इस एपिसोड के दौरान, इस कहानी के दौरान। थैंक यू।